दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे फोन पे में बैंक अकाउंट कैसे रिमूव करते हैं, या बैंक अकाउंट कैसे हटाते हैं, या कैसे अनलिंक करते हैं। तो इस वीडियो में यही बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में शो हो रहे बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि जब हम कोई ऐसा ही वीडियो लाएँ उसका भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो जी हाँ, ये सीधे सबसे पहले हम अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। वीडियो सिर्फ 2 से 3 मिनट की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने हमारा फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा माई मनी। तो जी हाँ, आपको माई मनी पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं UPI बैंक अकाउंट। सो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और जो भी यहाँ पर हाइड किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए हाइड किए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए मुझे पंजाब नेशनल बैंक ऊपर का है, आप देख सकते हैं, तो मुझे यही बैंक अनलिंक करना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा आपको, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। तो यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अनलिंक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से कन्फर्म के लिए पूछेगा, तो आप अनलिंक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देंगे तो आपका अनलिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली अनलिंक हो चुका है। सो इसी प्रकार आप भी अपना बैंक अकाउंट फोन पे से अनलिंक कर सकते हैं या हटा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।